अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को लेकर देश भर में चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में भी समर्पण निधि राशि एकत्रित की जा रही है, जिसमें वार्डवासी तन मन धन से सहयोग करते नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। वार्ड क्रमांक 5 में आयोजित किए गए इस निधि समर्पण अभियान के तहत वार्डवासियों ने करीब 2 लाख रुपए का सहयोग एकत्रित किया है। वहीं अब इस सहयोग को राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। अभियान को लेकर पूर्व पार्षद राजेश चौहान ने बताया कि सभी वार्डवासी तन मन और धन से मंदिर निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जो आयोजन अभी चल रहा है धनराशि, तो उसमें वार्ड क्रमांक 5 हमारे जो वीर मारुति शाखा है उसमें हमने हमारे जहाँ मैं निवास करता हूँ उस क्षेत्र से करीब 2 लाख रुपये की राशि इकट्ठी कर भगवान श्री राम के राम मंदिर के लिए अभियान जारी किया था। और जिसमें लगातार विगत 3 दिनों से हम लोग प्रत्येक परिवार से मिलना और प्रत्येक परिवार से आग्रह करना है कि भगवान श्री राम जी के इस भव्य ऐतिहासिक जो मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, उसमें अपना तन मन और धन से सहयोग करें। और जनता जो है क्षेत्र की वह भी इस और आतुर है कि भगवान राम के मंदिर में हमारा एक छोटा छोटा कण जो एकत्रित होगा उससे मंदिर बनेगा, उसमें हम सहभागी बने, ऐसी उनकी इच्छाएं और आशाएं थी। हम जब भी जिस परिवार के साथ मिलने जाते हैं वो परिवार बिल्कुल हमारा स्वागत करने के लिए आतुर रहता है कि भाई आप बताएं क्या करना है। अभी जनता में उत्साह है राम मंदिर को लेकर के। ये कई वर्षों बाद ऐसा मौका हमें मिला है कि जिसमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। लगातार 4.5 साल से मंदिर बनने के लिए बेचे था। इस दौरान वार्डवासी भी अपनी यथाशक्ति अपना सहयोग मंदिर निर्माण के लिए देते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।